फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम फ्रिल स्कर्ट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हमने 5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है, उसके साथ ही हमने 0.5 मीटर ग्लिटर का फैब्रिक लिया है जो कि स्ट्रेचेबल है, बेल्ट के साथ हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक जो लिया है लाइनिंग में लगाने के लिए, वो हमारा रियोन का फैब्रिक है जो कि 2 मीटर है, जिसके ऊपर हम कैनकेन अटैच करेंगे। एक हमने उसके लिए लाइनिंग ली है, ये भी 2 मीटर है जो कि सैटिन की लाइनिंग हमने ली है। सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग कट करेंगे जो कि रियोन की लाइनिंग है। पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, जितने भी आपकी स्कर्ट की लेंथ हो उतनी ही हमें इसकी लेंथ लेनी है। इस तरह से हमें 2 लेयर्स कट करनी है। ये किनारी वाली साइड रहेगी, किनारी वाली साइड से ही हमें इसकी लेंथ लेनी है। जो किनारी वाली साइड है उसको हमें स्टिच करना है दोनों लेयर्स को, और जो हमारी बॉटम है उसके साथ हम हॉर्स ब्रेड अटैच करेंगे। इसे हमें रॉन्ग साइड स्टिच करना है। ध्यान रखना है इसे हम बॉटम पर लगाएंगे। आधा आधा इंच किनारी को हमने दबाया है, इसको हमें राइट साइड टर्न करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। देखिए बॉटम पर हमने हॉर्स ब्रेड को लगा लिया है। उसके बाद हम अपनी जो सैटिन की लाइनिंग ली थी उसे अम्ब्रेला कट, देखिए इसे हमने अम्ब्रेला कट किया है और इसकी बॉटम पर भी हमने हॉर्स ब्रेड यूज़ किया है। और कमर की गोलाई आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ले लें। इसकी लेंथ भी हमें अपनी दूसरी लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही रखनी है। इसको हम ओपन करेंगे और जो हमारी दूसरी लाइनिंग रहेगी उसको हमें कमर के साथ अटैच करना है। क्योंकि ये हमारी लाइनिंग एक्स्ट्रा है तो इसकी हम प्लेट्स डाल लेंगे और कमर के साथ ही इसे एडजस्ट करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है नेट का फैब्रिक, उसकी हमने एक स्कर्ट कट की है जो कि अम्ब्रेला है। ये कमर की गोलाई रहेगी। इस स्कर्ट की लेंथ के लिए हमें अपनी फुल लेंथ लेनी है स्कर्ट की और उसे 3 से डिवाइड करना है। ऊपर जो हमारी 2 लेयर आएंगी उसकी लेंथ हमें इसकी रखनी है। हमारी जो लेयर बनेंगी तीनों अलग अलग, उसकी लेंथ रहेगी 11 और जो हमने इसको 22 रखा है जोड़कर 2 ऊपर वाली लेयर को, एक साइड से हम इसकी फिटिंग करेंगे। अभी हमें इसे ओपन करना है। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसके हम 11-11 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे। इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है जो कि हम 12 इंच होगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो हमारी स्कर्ट की फुल लेंथ होगी उसे 3 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हम इसमें 3 लेयर बनाएंगे तो 3 से डिवाइड करना है। जो भी आएगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमें इस लेंथ इसकी पट्टियों की लेंथ रखनी है। इस तरह से जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें सभी पट्टियां कट करनी है सीधी। मैं इन पट्टियों को जो भी हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है उस साइड से इन्हें कट कर रही हूँ। उसके बाद हमें इन पट्टियों को एक साथ जोड़ लेना है। उसके बाद हमें इनकी प्लेट्स डालनी हैं। यहाँ पे हमें फैब्रिक मेजर नहीं करना है, जितना फैब्रिक हो एक्स्ट्रा उस सभी की हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट है। ऊपर जो हमारी 2 लेयर्स होंगी उसकी लेंथ हमारी आ जाएगी और नीचे बॉटम पर हम एक फ्रिल अटैच करेंगे इसके साथ, तो हमारी स्कर्ट की फुल लेंथ हो जाएगी और ऊपर हमारी 2 इंच की 1.5 इंच की आएगी कमर पर एक पट्टी। तो इस तरह से हमें अपनी फुल लेंथ को रेडी करना है। फ्रिल्स को स्कर्ट की बॉटम के साथ अटैच करना है सिलाई लगाकर।
उसके बाद जो ऊपर हमारी दो लेयर्स और लगेंगी उन्हें भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे पूरी गोलाई में। और जो हमारी लास्ट लेयर रहेगी उसको हम कमर की पूरी गोलाई में अटैच करेंगे। फ्रिल्स जो हमारी नेक की पूरी रेडी हो गई है उसको हमें लाइनिंग के साथ अटैच करना है। अभी हम कमर के साथ इसकी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे, लेकिन ऊपर 6 या 7 इंच का हमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पे हम अपनी चेन लगाएंगे। सभी लेयर्स को एक साथ मिला लेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी चेन, बाकी नीचे तक हमें इसकी फिटिंग करनी है। राइट साइड से हम चेन को अटैच करेंगे। चेन की हमें दोनों साइड सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से हमारी चेन लग जाएगी। जो एक्स्ट्रा चेन है उसको हम कट कर देंगे। अभी हम स्कर्ट पर बेल्ट लगाएंगे, जिसके लिए हमें सीधी पट्टी कट करनी है। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 4 या 4.5 इंच ले लेंगे। इसे अब कमर की पूरे गोलाई में हमें अटैच करना है। बाकी जो चेन वाली साइड है वहाँ पे हम 1 या 1.5 इंच इसकी लेंथ एक्स्ट्रा ले लेंगे। चेन वाली साइड हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। स्कर्ट के ऊपर की तरफ राइट साइड है। पूरी पट्टी को हम कमर की पूरी गोलाई में अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ राइट साइड फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हमें ऐसा ही करना है। अब इस पट्टी को राइट साइड टर्न करना है। जॉइंट पर हम सिलाई लगा देंगे। साथ में हमें एक डोरी बनानी है। इसको रखेंगे इस तरह से पट्टी के साथ और पट्टी को मोड़ेंगे राइट साइड और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी डोरी है उसके एंड्स पर हमने ये लटकन बनाए हैं। ये हमारी बेल्ट और ये साइड। उसके बाद जो हमने स्कर्ट बनाई है उसके साथ हमने ये क्रॉप टॉप बनाया है ऑफ शोल्डर। और ये है हमारी पूरी ड्रेस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।